हाय फ्रेंड्स नमस्कार मु मनोज मु आज पुनी आसी जे जी गुटे नुवा टॉपिक सहित जदि आपनकर आधार कार्ड हो जाय किंबा डैमेज हो जाय तहले आपन की परि भाबे नुवा आधार कार्ड पाई परिबे किंबा नुवा आधार कार्ड पाइबा पई की परि निजो मोबाइल रे अप्लाई करिबे आसंतु आज का टॉपिक रे से विषय रे जानि नेबा। टॉपिक को आरंभ करबा पूर्व मु आपन मन को रिक्वेस्ट करिबि जदि आपन माने मो चैनल रे नुआ ताहले एई लव खुश चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु एवं बेल आइकन को टच करंतु कारण एमिति टेक्निकल वीडियो किबा यूजफुल वीडियो रो नोटिफिकेशन आपन मानको अति शीघ्र पहुंचि जिवो। तो चलंतु देरी न करी वीडियो टिको आरंभ करिबा। प्रथमे आपण को मोबाइल रो क्रोम ब्राउजर को ओपन कर नियंतु। क्रोम ब्राउजर को ओपन कर सारला परे टाइप करंतु UIDIA एवं सर्च करंतु। तापरे आपण मन को पुनी गुटे नो इंटरफेस देखा जीव देखंतु। तो आपण एठी UIDAI रे क्लिक करिवे। क्लिक कला परे आपण मन को पुनी गुटे नो इंटरफेस देखा जीव। तो आपण माने तळ को आसीबे ठी तल को आसला पर एठी देखंतु विभिन्न प्रकार ऑप्शन देखा जाउची। लोकेट एन एनरोलमेंट सेंटर, बुक एन अपॉइंटमेंट, चेक आधार स्टेटस, डाउनलोड आधार, एमिति अनेक ऑप्शन देखौची। तो आपण आधार रिप्रिंट रे क्लिक करिवे। क्लिक कला पर आपण माने पुनी एक नुआ इंटरफेस देखा जिवो। तो आपण माने स्क्रॉल करिकि आपण तल को आसीबे। तल को आसला पर एमिति आपण माने को इंटरफेस देखा जिवो देखंतु। तो एठी लेखा हिची आधार नंबर, तापर तले अछि देखंतु सिक्योरिटी कोड, तापर तले अछि गुटे ऑप्शन देखौछि देखंतु मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर। तो आपण माने को एठी मु कहि रखिबी आपण माने देखंतु आधार नंबर जगह आपण मानकर आधार नंबर देबे। जदि आपण मानकर आधार नंबर नाही ताहेले आपण कर एनरोलमेंट आईडी को एठी पुट करिवे। तापर तळे देखंतु गुटे कापटा कोड अछि, से कापटा कोड को आपण एठी पुट करिवे। तो आपण मानकु पुट करि देखै दउछि। एठी गुटे ऑप्शन देखुछि देखंतु माय मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड। तो एठी मु आपण मानकु कहि रखिबि जदि आपण मानकर मोबाइल नंबर आधार रे लिंक होई नाही ताहेले माय मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड रे आपण क्लिक करिबे। एठी क्लिक करिबे तो पुनी आपण मानकु गुटे एमिति ऑप्शन देखा जइबो देखंतु मेंशन नॉट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपणकर जदि आधार नंबर लिंक होई नाही आपणकर मोबाइल नंबर ताहेले एठे टिक मारिबे। तापरे जे कोनोसी आपणकर मोबाइल नंबर एठी पुट करि पारिबे। हेतु मोर मोबाइल नंबर मो आधार सहित लिंक होई तो मुठी क्लिक करी से ऑप्शन को मुझ ब्लैंक छाड़ देवी। तो देखु तापर आम सेंड ओटीपी रे क्लिक करवापर सेंड ओटीपी रे क्लिक करी। तो आपण मानकर जदि मोबाइल नंबर रजिस्टर ना आधार रे ताहले आपणकर जेकोसी मोबाइल नंबर पुट करके सेंड ओटीपी रे क्लिक करी। आ जदि आपणकर लिंक हो आधार नंबर ताहले ब्लैंक्स छाड़देवे। तापर सेंड ओटीपी रे क्लिक करिवे। क्लिक कला परे आपण मानकु पाखकु गोटे ओटीपी आसीबो। एमिति ऑप्शन देखा जइबो देखंतु लेखा आइछि ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, चेक योर मोबाइल UIDAI। आपण मानकु गोटे ओटीपी सेंड करिवो। तो आपण माने आसिला पर्यंत टिक वेट करिवे। देखंतु मो मोबाइल नंबर गोटे ओटीपी आसी जाइछि। सेही ओटीपी को आपण एंटर ओटीपी जगह रे पुट करिवे। ओटीपी को पोर्ट कर सारा पर देखु टर्म एंड कंडीशन रे आपण टिक करिवे। तापर आपण सबमिट रे क्लिक करिवे। सबमिट रे क्लिक कला पर आपण मानको देखंतु आपण मानकर जो आधार डिटेल्स अछि शो करिवो। देखंतु आपणकर नेम हो किंबा आपणकर एड्रेस, आपणकर DOB ए सब आपण मानको शो करिवो। तो आपण माने तळ को आसीबे। तो मु एठी मोर आधार डिटेल्स को मु भल भाव आपण मानक शो करनी कारण आपण मैंने जानती जे आपण मान आधार डिटेल्स को क्या सेयार करवा उचित नुहे। आपण मानक किसी भी हो पाए तेणुक मुझे आपण मानक शो करनी। तापर आपण मैंने तल को आसबे। तल को आसला पर आपण मानक देखा देखूँ गोटे मेक पेमेंट ऑप्शन देखा जाता तले लिखाई कैनसल। तो आपण से मेक पेमेंट ऑप्शन रे क्लिक करेंगे। मुझे आपण मानक जनईदेक चाहे आम जेहेतु गोटे नुआ आधार कार्ड पे अप्लाई करछु तो तार फीस आमको देवाक पड़ो। तो तार फीस हो 50 टका। तो से आपण मेक पेमेंट ऑप्शन रे क्लिक करिवे। पेमेंट ऑप्शन रे क्लिक कला पर आपण मानक एमती नुआ इंटरफेस देखा जाबो। एठी आपण मानक तीनोटी ऑप्शन देखा दउछि देखंतु कार्ड्स किंवा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तापर आपण UPI, आपण नेट बैंकिंग। तो मुझे आपण मानक एठी कहि रखिबी जो आमे
ନୂଆ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ 50 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଆପଣମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଯଦି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଆପଣ ଯିବେ, ଯଦି UPI କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର UPIରେ ଯିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି କାର୍ଡ଼ସ୍ ଅପସନ୍ରେ ଯିବି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖାଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ATM କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଉ, ସେଇ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ATM କାର୍ଡ଼ର 16 ଡିଜିଟ୍ ନମ୍ବରକୁ ଏଠି ପୁଟ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ATM କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଥାଏ ଯେଉଁ ଡେଟ୍, ଯେଉଁ ଏକ୍ସପାଇରି ଡେଟ୍, ସେଇ ଡେଟ୍କୁ ଏଠି ଆପଣ ପୁଟ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ATM କାର୍ଡ଼ରେ ଥାଏ 3 ଡିଜିଟ୍ରେ ଥାଏ ଯେଉଁ CVV କୋଡ଼୍କୁ ଆପଣ ଏଠି ପୁଟ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଥାଏ ସେଇଠି ଆପଣ ପୁଟ୍ କରିବେ। ପୁଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରୋସିଡ଼୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଗୋଟିଏ OTP ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲିଙ୍କ ହୋଇଛି ସେଇ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ OTP ଆସିବ। ସେଇ OTPକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ 50 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଫିସ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ନୂଆ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ଯେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁଣି ମୁଁ ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।